हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुपेश टेक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो के लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग अपडेट के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, वो जो हमारा पहला पॉइंट होगा, वो एक ईमेल के ऊपर होगा, जैसा कि आप लोगों को विप्रो के द्वारा मिला है। तो सबसे पहले जो हमारी बात होगी, ये ईमेल के ऊपर कि ये मेल क्या है, इस मेल में इन्होंने क्या मेंशन किया है। तो मैं ये मेल को पढ़ के पहले बताता हूँ। इसमें इन्होंने मेंशन किया है, दिस इज रिगार्डिंग द क्वेरी विच यू हैव पोस्टेड ऑन द सर्वे। जो एक सर्वे मेल आया था, उसमें जो आपने क्वेरी पोस्ट किया था, उसके रिगार्डिंग इन्होंने मेल किया है आपको। इसमें आगे क्या लिखा है, वी हैव रिलीज द वेरिफिकेशन टैब टू यू इन इनबार्क, प्लीज चेक एंड प्रोवाइड द क्लेरिफिकेशन अपलोड डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंगली। Please provide the same clarification in the clarification tab in bar portal. Thanks and regard, manager campus team, Wipro Limited. Kindly use the below link to satisfy your query concern to us. नीचे लिंक दिया हुआ है। तो इस मेल में इन्होंने क्या बताया कि वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने सर्वे मेल को फिलअप किया है, तो उनके द्वारा एक मेल आया है। इस मेल में इन्होंने मेंशन किया है कि हमने आपके लिए वेरिफिकेशन टैब रिलीज कर दिया है। अगर आपको वेरिफिकेशन टैब रिलीज का मेल आ चुका है, तो आपको क्या करना है, एम्बार्क पोर्टल को अपडेट करना है। एम्बार्क पोर्टल पे जाकर अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। प्रोफाइल अपडेट करने का मतलब है कि जितनी सारी डॉक्यूमेंट है, जितनी सारी वेरिफिकेशन करने के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है और जो मार्कशीट है, उन सारी चीज़ को फिलअप कर देना है आपको। तो वैसे कैंडिडेट जिनको ये मेल आया है, उन्हें पहले तो जाकर अपडेट करना होगा इस मेल के अकॉर्डिंग। यदि कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंसर्न है, तो उसमें एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिलअप करके आप उसको क्वेरी को जब चाहे जब पूछ सकते हैं। तो एस इसके अकॉर्डिंग जो है आपको यही बताया गया है। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं, एम्बार्क पोर्टल प्रोफाइल अपडेट। तो वैसे कैंडिडेट जिनको एम्बार्क पोर्टल का मेल आया है, वो जाकर सबसे पहले आपको एम्बार्क पोर्टल पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, उसमें पहले जो आएगा आपको जितनी सारी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, वो सारा डॉक्यूमेंट आपको जाकर अपलोड कर देना है। जितनी सारी मार्कशीट है वो कर देना है, आधार पैन कार्ड जो भी हो वेरिफिकेशन के लिए कर देना है। फिर जब आप ये अपलोड कर देंगे, तो फिर आपका जो है वेरिफिकेशन के लिए मेल चला जाएगा। जब आप सारी चीज़ें को अपलोड कर देते हो, तो वेरिफिकेशन टैब आपका रिलीज हो चुका है चूँकि। तो आपका जो है ग्रीन ऑडिट मेल आने के बाद ही आपको जो है ऑनबोर्डिंग का मेल आएगा। तो नेक्स्ट फेज की ऑनबोर्डिंग कब होने वाली है, तो नेक्स्ट फेज की ऑनबोर्डिंग जो है, इट मे बी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मई और जून में आपकी जो है नेक्स्ट ऑनबोर्डिंग हो सकती है, ठीक है। तो यदि आपको मेल आया है और मेल नहीं आया है, तो वेट कीजिए, मेल आ गया है तो आप जाकर जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके कर लीजिए, क्योंकि जो जितना जल्दी करेगा उसको उतनी जल्दी ऑनबोर्डिंग दी जाएगी। तो प्रायोरिटी बेस रख लीजिए कि आपकी अगर आ गई है तो जाकर आप कर लीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अब क्या होने वाला है टर्बो के ऊपर। तो टर्बो वालों का अभी तक कोई अपडेट नहीं है। इट मे बी कि इलाइट और विल्व का जो फेज वन फेज टू है, फेज टू का तो नहीं कह सकते, लेकिन फेज वन तक का जो है मई से लेके जून के बीच में जो है आपकी ऑनबोर्डिंग हो सकती है, और नेक्स्ट फेज की ऑनबोर्डिंग का डेट यही होने वाला है, मे टू जून। और जैसा कि आपको बता दिए कि इन्होंने एक मेल भी कर दिया है कि आपकी जो है वेरिफिकेशन टैब रिलीज हो चुकी है, वेरिफिकेशन टैब पे जाकर आपको एम्बार्क पोर्टल फिलअप करना है। एम्बार्क पोर्टल फिलअप करेंगे तो जितनी सारे डॉक्यूमेंट है अपलोड करना है उसके अकॉर्डिंगली, और जो भी कोई क्वेरी हो, कोई भी कंसर्न हो, तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं, या फिर फॉर्म जो है वहाँ पे सर्वे मेल है मेल में, उस मेल में एक लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म में आपको फिलअप कर देना, जो भी क्वेरी होगी वो आपको मिल जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेरी रिलीज कीजिएगा तो आपको अपना रिज्यूमे नंबर जो है ज़रूर देना है, क्योंकि रिज्यूमे नंबर के थ्रू जब देंगे तो आपको जो है कंसर्न जो होगा एकदम राइट मिलेगा, ठीक है। तो रिज्यूमे नंबर को ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ये था लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग अपडेट। बाद बाकी इलाइट का और विल्प का ऑनबोर्डिंग इट मे बी मई टू जून होगा, टर्बो वालों का अभी कुछ भी नहीं होगा। जब टर्बो वालों की होगी तो उसकी बातें हम कर लेंगे। हाँ, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि यदि आपकी ऑनबोर्डिंग हो चुकी है, आप विप्रो के अंदर हैं, तो आपकी जो ट्रेनिंग चल रही है, इस ट्रेनिंग को आपको बिल्कुल ही सीरियस में लेना है और सीरियसली जो ट्रेनिंग को देना है। एक्चुअली अभी क्या चल रहा है कि कुछ लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं, पीआरपी एग्जाम में क्या हो पा रहा है, उनका टर्मिनेशन हो पा रहा है। तो टर्मिनेट ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, इस जो सीरियस लेना है ट्रेनिंग को और उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। जो भी क्वेरी हो आप ट्रेनर से पूछिए, ट्रेनर से रिप्लाई लीजिए। जो भी कंसर्न हो आप हमसे कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं, यदि ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड कोई डाउट हो तो। बाद बाकी पीआरपी एग्जाम को बेस्ट दीजिए और आपका हो सके कि टर्मिनेशन ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि सिचुएशन अभी ले ऑफ की है, मास ले ऑफ की है, उसके अकॉर्डिंग जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन आपको अपने आप से अलर्ट होना है कि कोई भी गलतियाँ ना हो पाए और कोई भी चीज़ आपको छूट ना जाए। इसलिए जो भी हो एकदम मन लगा के कीजिए, अच्छे से कीजिए। बाद बाकी कोई भी अपडेट होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाद बाकी यदि कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, या कोई ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं।
तो कमेंट के थ्रू मैं आपका रिस्पॉन्स कर देता हूँ। बाद बाकी चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।